नालागढ़ के पंजेहरा में दो सगे भाइयों के घर चोरी होने का मामला सामने आया है। शुक्रवार रात चोरों ने घर की खिड़कियों की ग्रिल निकाली और नकदी समेत लाखों के जेवर लेकर फरार हो गए। वारदात के समय लोग घर के अंदर सोए हुए थे और चोर उनकी नींद का फायदा उठाकर चोरी करने में सफल रहे। शनिवार सुबह घटना की सूचना पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। बता दें कि इस क्षेत्र में 3 दिन के भीतर ये दूसरी चोरी की घटना है। इससे पहले अम्बाला में भी चोरों ने इसी अंदाज में चोरी की थी। निर्मला देवी सवेरे उठे ताला खोलिया ही तद दे मैनू मैं दरवाजे नूं इस तरह कर दी। मैं क्या खुलदा नहीं, मैं क्या हवा तो अंदर पिछे, फिर पिछे नट के गई मैं। मैं क्या ताकी कर ताकी हवा करके नहीं खुल रहा दरवाजा। फिर जब पर जाके देखिया तो वो खुलिया वा तोड़िया वा। तो हार 2 जोड़ी कन्ना दी चूड़ियाँ, 4 मुंदियाँ, 1 जंजीर और मंगलसूत्र पायल 2 जोड़ी, 2 जोड़ी चांदी 10,000 रुपया। मेरा नाम भूषण है। साढ़े ही रात चोरी हो गई उरे 2 कमरे। पीछे ताकी से आए हैं 2 कमरे। अच्छा। आए थे सोने का सामान था। अच्छा, कितने का होगा लगभग? होगा 10-12 लाख का। हाँ, 2 भाइयों की चोरी। पुलिस से यही मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी पकड़े। वही DSP फिरोज खान ने बताया है कि पुलिस ने सूचना मिलते ही घटना स्थल का दौरा किया और आवश्यक सबूत जुटाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और छानबीन की जा रही है। जल्द ही चोर दबोच लिए जाएंगे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि उनके घर की रक्षा स्वयं भी करें। ग्राम पंचायत पंजारा से बोल रहा हूँ, प्रधान बोल रहा हूँ। सर, हम तो प्रशासन से यही मांग करते हैं, जो ये बार बार लगातार चोरियाँ हो रही है, इन पे शिकंजा कसा जाए और लोगों को कुछ सुविधा मिल पाए। मेरे वार्ड नंबर 4 में 1 साल में दूसरी चोरी हो रही है। पहले भी चोरी हुई थी, लगभग जब इलेक्शन हुआ था MLA का, उस समय भी 10-12 लाख की चोरी हुई थी। जो आज चोरी हुई है वो भी 10-12 लाख रुपए की लगभग चोरी हो चुकी है। ये 2 भाई हैं, दोनों अलग अलग रहते हैं, दोनों के घर में चोरी हुई है। ये वार्ड नंबर 4 कोलावाड़ा में हुई है। एक लड़का भूषण कुमार है, सन ऑफ दिलीप चंद, दूसरा राधेश्याम, सन ऑफ दिलीप चंद। इन दोनों भाइयों के घर में चोरी हुई है। लगभग 12 से 13 लाख रुपए की चोरी हुई है। नकदी 10,000 रुपए है। हम तो प्रशासन से यही मांग करते हैं, जो ये फेरी वाले हैं इन पे भी शिकंजा कसा जाए। जब पिछली बार यहाँ पे चोरी हुई थी तो जो फेरी लगाने वाले हैं उनमें से ही चोर पाए गए थे। तो प्रशासन से यही मांग है, ज़्यादा से ज़्यादा गश्त की जाए और जो आवारा लोग घूम रहे हैं उन पर शिकंजा कसा जाए। सर, चोर खेतों के रास्ते से अंदर आए, उन्होंने पीछे से पहले 1 कमरे की ग्रिल तोड़ी, वहाँ से चोरी की। फिर उसने 2 भाई की 1 ग्रिल काटी, वहाँ से चोरी की। फिर उसने 3री ग्रिल भी काटी है। 3री ग्रिल काट के वो अंदर आए, उन्होंने किचन का ताला तोड़ा है, उसमें उनको कुछ नहीं पाया गया। फिर उसके बाद वो खेतों के रास्ते ही बाहर निकल गए हैं सर। तो उन्होंने खेत में ही जाके बंटवारा किया, जो चोरी का सामान है वहीं से बरामद हुआ है। जो अपना गोल्ड के बॉक्स वगैरह थे वहीं खेतों से बरामद हुए हैं सर। पंजाब केसरी टीवी के लिए नालागढ़ से आदित्य चड्डा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।